इराक की संसद में शनिवार को समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इस कानून के मुताबिक ईरान में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10 से 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, नए कानून के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों का कहना है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे, जबकि कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून का विरोध किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस कानून को मानवाधिकारों के लिए खतरा बताया है, तो वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने इसे खतरनाक और चिंताजनक बनाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी इराक के इस कानून का विरोध किया है। नए कानून के तहत अब इराक में समलैंगिक या फिर वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वालों को जेल की सजा होगी। इसके अलावा लिंग परिवर्तन या फिर सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स को भी जेल में डाला जाएगा। इतना ही नहीं, जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुषों और पत्नी की अदला बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत सजा हो सकती है। इस कानून में समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि ट्रांसजेंडर और लिंग परिवर्तन करने वाले डॉक्टरों को 3 साल की सजा हो सकती है। इराक में समलैंगिक कानून की बात करें तो 80 के दशक में प्रोस्टिट्यूशन कानून में बदलाव करके समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा जोड़ी गई थी। इस फैसले का अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने विरोध किया था जमकर, जिसके बाद इसमें दोबारा बदलाव किए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में LGBTQ समुदाय को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर और मर्डर की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। इराक के राजनेता और कई सोशल मीडिया यूजर्स भी LGBTQ के खिलाफ बयान देते रहते हैं। कुल मिलाकर इराक में समलैंगिकों की हालत चिंताजनक है। अब LGBTQ क्या है, इसे समझ लेते हैं। LGBTQ+ में L का मतलब है लेस्बियन, यानी कि वो महिला जिसकी रुचि दूसरी महिला में हो। जी का मतलब है गे, यानी कि वो पुरुष जिसकी रुचि दूसरे पुरुषों में हो। बी का मतलब है बाइसेक्सुअल, यानी कि ऐसे लोग जिनकी रुचि महिला और पुरुष दोनों में होती है। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपना लिंग परिवर्तन करवाया हो। क्यू का मतलब है क्वीर, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें खुद मालूम नहीं होता कि वो महिला है या फिर पुरुष। इनके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज होती हैं जिन्हें LGBTQ में प्लस लगाकर जोड़ा गया है। दुनिया भर में समलैंगिक संबंधों की बात करें तो अमेरिका, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी में समलैंगिक संबंधों की मान्यता है, जबकि भारत, चीन, श्रीलंका, ब्रिटेन, नेपाल और रूस में समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में नहीं है। भारत ने 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। वहीं पाकिस्तान, ईरान, युगांडा, यमन, सऊदी अरब और सोमालिया जैसे देशों में समलैंगिकता अब भी अपराध है। यहां समलैंगिक संबंधों पर मौत की सजा दी जाती है। दुनिया भर में समलैंगिकों की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो LGBTQ+ समुदाय पर PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि कनाडा में सबसे ज्यादा 85% और अमेरिका में 72% लोग LGBTQ समुदाय को स्वीकार करते हैं। लंबी लड़ाई के बाद आज फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका समेत दुनिया के 31 देशों के संविधान में सेम सेक्स के बीच शादी लीगल हो चुकी है। भारत में 2018 तक सेम सेक्स के बीच शादी अपराध थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिकों के बीच सेक्स अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक भारत में 62% लोग समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं देते। यमन, ईरान, ब्रुनेई, नाइजीरिया, कतर समेत दुनिया भर के 13 देशों में आज भी सेम सेक्स रिलेशन वाले जोड़ों को मौत की सजा दी जाती है। बता दें कि दुनिया में फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसने 1791 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी समलैंगिकों को मान्यता देनी शुरू की। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका समेत आज दुनिया भर के 31 देशों के संविधान में समान लिंग वाले जोड़ों की शादी कानूनी तौर पर मान्य है। भारत की बात की जाए तो यहाँ ब्रिटिश रूल के दौरान 1861 में समलैंगिकता पर पाबंदी लगाई गई थी। समलैंगिक संबंधों को IPC की धारा 377 के तहत गैर कानूनी बताते हुए सजा का प्रावधान किया गया था, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अभूतपूर्व फैसला देते हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई।
बहरहाल इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।